वेलकम टू किंग रिसर्च फैमिली सर. आई रिक्वेस्ट एवरीबडी पब्लिक दैट दीज पीपल्स आर रियली जीनियस. दे आर ट्राइंग टू गिव समथिंग पॉजिटिव गुड टू द सोसाइटी. दैट इज द मेन थिंग. इससे बड़ी चीज कोई नहीं. वेलकम टू किंग रिसर्च सर. दिस इज फॉर यू. थैंक यू. देखो ऐसे तो मैं कोई ट्रेडर नहीं हूँ, बस इस लाइन में 2 महीने से आया. बस मुझे बेसिक सीखना था तो यहाँ पे आया. सर की वीडियो देखी तो मुझे देखने के बाद ऐसा लगा कि इस बंदे में दम है जो कुछ मुझे देगा. तो इसने मुझे साइकोलॉजी दी है कि भाई आप करो लेकिन आपका रिस्क छोटा होना चाहिए. बस प्रॉफिट हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन रिस्क आपका छोटा होना चाहिए. क्या रेटिंग सर के यहाँ पे? 10/10. ज्यादा नहीं हुए थे? नहीं नहीं पक्का. अभी तो सीखना है और भी बाकी है. अभी तो सिर्फ इनिंग खेलना है. स्टॉक मार्केट आप हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा रहेगा. तो लंबा सोचो तब लंबा चीज मिलेगा, छोटा सोचोगे छोटा ही मिलेगा. वंडरफुल सर. थैंक यू. Thank you so much. Welcome to King Research family. Thank you. This is for you. Thank you. कैसा लगा आपको सेशन से? सर मुझे एक वर्ष हो गई है और ट्रेडिंग करते हुए लॉस ऑलरेडी किए हुए हैं. तो मुझे यहाँ आने से पहले यूट्यूब टेलीग्राम और भी बहुत सारे ब्रोकर ये समथिंग जो वो मिले इतना पैसे दीजिए, व्हाट्सएप पे कॉल देते हैं वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज़. लेकिन बेसिकली मुझे क्या लगा आपका जो एक वर्ड है लर्न देन अर्न. तो हमने शुरू कर दिया पहले अर्न और उसके बाद लर्न. तो वो लूप होल थी मेरी. बट यहाँ आने का मेरा ये मकसद था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस. मुझे नेक्स्ट डे ना एक टेलीग्राम देखना है, ना यूट्यूब देखना है, ना और कुछ. जस्ट जो मुझे यहाँ इस वर्कशॉप में मिला उसको यूटिलाइज करके जो अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है बूस्टअप करना है और यूटिलाइज करना है. और नो डाउट प्रॉफिट करेंगे और करेंगे करेंगे. और जय किंग किंग रिसर्च. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू आकाश जी फॉर अटेंडिंग आवर वर्कशॉप. दिस इज फॉर यू. क्या बताना चाहेंगे आप फीडबैक के बारे में? आप यहाँ पे कहाँ से हैं आप? बैंगलोर से. स्पेशली अहमदाबाद का वर्कशॉप अटेंड करते हैं. वंडरफुल. एक्चुअली मैंने 6 महीने से स्टार्ट किया सर ऑब्जर्वेशन करने के लिए मार्केट में. यूट्यूब में मैं बहुत सर्च कर रहा था ट्रेडिंग रिलेटेड वीडियोस. आपका चैनल पे लकी मिला मुझे. आप फ्री में कितना नॉलेज शेयर किया यूट्यूब में. मैंने 2-3 मंथ से आपका स्ट्रेटेजी पूरा प्रैक्टिस कर रहा था सर. फ्री में इतना कॉन्फिडेंट मुझे मिला इसलिए आज मैं इधर पर्सनली आया सर. कॉन्फिडेंट ज़्यादा करने के लिए फियर इधर छोड़ के जा रहा है. बट सर लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि सर फ्री में इतना दिया है तो और क्या करना सीख के. आप तो यही बोलते हो ना एक स्ट्रैटेजी पकड़ लो, 7-7 स्ट्रैटेजी दी है और किया तो उसके लिए क्या बताना चाहो? क्यों आए उनके लिए आंसर क्या रहेगा? हाँ सर उसके लिए तो फ्री में ऑलरेडी स्ट्रैटेजी बढ़ी है. हाँ. फिर भी आप इतनी दूर से बैंगलोर से यहाँ आए हो क्यों? सर पढ़ाने के लिए है. बाद में आपके जैसा पर्सनली कोई नहीं तो साइकोलॉजी में नहीं तो कैसा ट्रेड एक्चुअल ट्रेड कैसा करना है मिला? क्या रेटिंग दोगे आउट ऑफ 10? 7 आउट ऑफ 10 वी आर गेटिंग 7. वंडरफुल. थैंक यू. आई अप्रिशिएट. डेफिनेटली. थैंक यू. बढ़िया है. बढ़िया जी सर. सर मैं यहाँ नागपुर से आया हूँ. मैं स्पेशली स्ट्रैटेजी पे लिया था. ओके. मैंने पहले उल्टा पुलटा आपकी यूज किया है तो उसी कारण में आता है. और दो स्ट्रैटेजी लेके जा रहा हूँ. कैसे दो स्ट्रैटेजी लेके जा रहा हूँ? क्या क्या है? क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल बैंक. फंटास्ट. कैसा लगा? और अच्छी बढ़िया. पैसे वसूल हुए आपके? हाँ. क्योंकि दूर से आए इसलिए पूछा. जी सर पैसे वसूल है. हाँ. कोई और एक्सपेक्टेशन छुट गई हो? नहीं. पक्का? थैंक यू सर. दारू मस्त. थैंक यू रंजीत सर. सेशन आपको कैसा? एक्चुअली मैं
के लिए स्टॉक के लिए आया था, स्टॉक भी मुझे काफ़ी लॉस होता था, ग्रीड बहुत होता था और ऐसे बड़े बड़े लिखे बड़े बड़े, तो मेरा पूरा माइंड सेट अलग हो गया था स्टॉक के लिए, डर चले गया। तो मैं ट्रेडिंग लेके आपको बताना चाहूँ कि वो जो बोल रहे हैं 10,000 का 1,00,000 करना है, तो वैसा 2-3 बार करूँगी मैं ऐसा नहीं सीख रहा, मैं सीखा हूँ वो मैं करके दिखाऊंगा। बहुत जरूरी है गाइस, जो सर ने बोली ना एक बात, 10 का 1,00,000 गांठ बांध लो। मैं अगेन बोल रहा हूँ मेरे भाई, प्रोटेक्शन कैसे किया जाए मार्केट में वो जरूरी है। दिस इज वंडरफुल, थैंक यू सर, थैंक यू। दिस इज फॉर यू सर, यू आर टेकिंग दिस फैमिली। यस शंकर सर, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? आई एम कमिंग फ्रॉम चेन्नई। यू आर कमिंग फ्रॉम चेन्नई, स्पेशली फॉर दिस वर्कशॉप? यस। वाओ वंडरफुल, सो व्हाट एग्जैक्टली वांट टू से टू आवर ऑडियंस? Actually, I was trading and I had a loss, mm-hmm. and I stopped trading. Okay. Then I was looking at your video, okay, on YouTube, mm-hmm. and I was impressed. So I thought I would take a course with you. Okay. But the nearest one I could find was in Ahmedabad, so I had to come all the way. Okay. The first thing I understood in the first session was the kind of the mistakes that I was making. Okay. I was almost guilty on all the mistakes. Uh-huh. After entering at the wrong time, yeah. was going out on all my capital. I was having a risk per trade or anything. Okay. And so that's where I understood why I lost the money. Finally, you got your answer. Why you are losing money? Yeah, what is the stop loss? I was doing one mistake on each that you said. Everywhere. So okay. That was one thing. Mm-hmm. Second thing is I wasn't aware of all the candlestick patterns before. Okay. Like okay. the hammer and other things. Hammer. Doji alone or I knew. Okay. Other things I didn't know and I didn't know how to interpret them. Okay. So that was really very interesting for me. Thank you, sir. So what exactly you want to give the rating actually? Out of 10? I would rate anywhere above 8. Above 8? Yes. Thank you so much. This is wonderful. Thank you, sir. Balaji, thank you so much for coming to our workshop. This is for you. Thank you. जी Balaji, अब बताइए अपने हिसाब से। Actually sir, ऐसा है कि यहाँ आने के बाद actually मैं candlestick pattern को ही follow कर रहा था अभी तक, लेकिन बहुत सारी चीज़ें छूट रही थी मुझसे, ना तो मैं प्रॉफिट कर पा रहा था और ना ही मैं लॉस कर पा रहा था, कितने महीनों से मतलब ऐसे ही चल रहा था। लेकिन अभी जो आपने कुछ चीज़ें बताई, मतलब कि कैंडलस्टिक पैटर्न, लेकिन उसमें भी क्या चाहिए, जैसे कि एक आत्मा की बात की आपने, तो वो मेरे लिए मिसिंग था। तो और ऐसे सीओपी वाली जो बात बताई आपने, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मतलब मेरी कंफर्म हो गई, मतलब अब मैं पक्का हूँ, क्योंकि अभी तक मैं 9 लॉस 9 प्रॉफिट जोन में था, तो अभी मतलब मेरा कंफर्म है कि मैं घर जाके प्रॉफिट करूंगा। और एक्चुअली स्ट्रेटजी से अच्छा ये है कि बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, मतलब उसमें भी ऐसा है कि मैं अपने खुद के ऑब्जर्वेशन से भी शायद मैं कुछ अपना बना सकता हूँ, तो ये चीज मेरे लिए बहुत मैटर करती है। बाकी स्ट्रेटजी तो मैं इससे पहले भी बहुत जगह पे सीखा था। जो स्टॉक मार्केट का लैंग्वेज है, वो जो हम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट का लैंग्वेज तो लेंगे, वो समझ में आया क्या होता है स्टॉक मार्केट का लैंग्वेज? एक्चुअली सर वही समझ में आया, बाकी मैं वही बता रहा हूँ कि स्ट्रेटजी तो सर इससे पहले मैं बहुत जगह पे सीखा था, लेकिन आज तक उससे पैसा मैं कभी नहीं बना पाया। लेकिन यहाँ पे जो आपने जो कल से लेके आज तक मतलब जो छोटी चीजें बताई ना, वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है एक्चुअली। तो बाकी से लोग स्ट्रेटजी बना के छोड़ देते हैं और वो घर जाके काम भी नहीं करते बहुत बार, तो यहाँ पे तो मतलब बहुत कुछ लेके जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सर वैसे तो 2-3 महीना ही हुआ है मुझे ट्रेड करते हुए, इससे पहले भी दोस्तों से सुना था, उनसे टिप्स भी लेते थे, और सबसे पहले मैंने HDFC सिक्योरिटीज़ में अकाउंट खुलवाया था, लेकिन कभी हिम्मत नहीं होती थी ट्रेड लेने में, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता नहीं था। फिर यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियो देखे जी, फिर आपका वीडियो भी मिला जी, वीडियो देख के आपने जो भी स्ट्रेटेजी दी थी उससे एक दो ट्रेड किए, फिर भी हुआ। अच्छा। फिर एक बार क्या हुआ, मैं जॉब कर रहा था, आपने बोला था शायद वो भर्ती है, ठोको टर्मिनल बंद करो, टारगेट ओपन छोड़ो। शायद मैंने आपको व्हाट्सअप भी किया तो उसमें 10,000 का लॉस हो गया था, उसके
उसके बाद लास्ट वीक में सारा कवर हो गया है और यहाँ से इतना तय है कि मैं कॉन्फिडेंस लेके जाता हूँ कि अब कोई टेंशन नहीं। थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर किंग रिसर्च फैमिली। थैंक यू। बस छोटा सा एक ही बात कहनी है कि आत्मा मिल गई है तो परमात्मा मिल जाएंगे। उन्होंने आत्मा दिला दी है, उन्होंने बता दिया आत्मा है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और एक सोने में सोवे सबसे बड़ा अच्छा है कि खुद तो आए आए साथ में भगवान परशुराम को भी ले गया। इनके कारण हमें काफी बेनिफिट हुआ है, बहुत बेनिफिट हुआ है। एंड रियली वी आर ग्रेटफुल टू यू कि आपने इतना अच्छा हमारे को दिया। एंड थैंक यू फ्रॉम कोरोना। हरे वेलकम टू किंग लेकिन आपने बोला के फोकस को दोस्त बनाओ, तो लोग सिखा देते कि आपको ये करना है ये करना है ये करना है, लेकिन आपने बोला प्रॉफिट नहीं करना, लॉस को यानी वो करो। तो लॉस को अगर दोस्त बनाओगे तो प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट है ही। तो सर ऐसा तो सीखने को पहली बार होगा। और मेरी जो हार्ट बीट थी सर वो स्टॉक मार्केट के चार्ट के साथ मैच नहीं कर रही थी, लॉस इसी कर रहा था। हो जाएगी। लेकिन आपने सब शेयर कर दिया और मैं चलता हूँ सर जल्दी, कल सुबह में जाकर प्रॉफिट करना है। अरे वाह। सर काफी कुछ ना क्या रहेंगे, मतलब काफी कुछ बिखरा हुआ था इसको, कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं है और एक्यूरेसी ट्रेड के पीछे ही दौड़ते हैं। ये सबको मिलना बहुत जरूरी है, तभी कुछ ना कुछ आउटकम मिलेगी। तो गलतियाँ तो पहले से ही चल रही थी, बट कुछ ना कुछ कहाँ पे क्या मेजर नहीं होगी तो अभी काफी कुछ लर्न कर रहे हैं। कुछ एल्बो वाली चीजें मिली इसमें जो आपको चाहिए? बहुत 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 तो काफी चीजें हैं। I'm not a full-time trader, but once in a while when I do the trade, I want it to, you know, reach to the perfection. Okay. Many of the times are lost, you know, due to not enough time as well as not enough learning. Both of these 2 days were, you know, insightful, deep in learning, and you know, worth to attend. That's what I would say. Even for, you know, who are doing every day or who are doing, you know, once in a while. So, और हिंदी में बोलूँ तो, यू नो सर, आप नियत की बात करते हैं, नियत अच्छी रखो। हमने आपको काफ़ी बार देखा ऐसा वर्ड बोलते हैं, बट रियल में देख लिया वट एवर लर्निंग यू शेयर्ड विद यू नो राइट इंटेंशन और नियत अच्छी रखो, ऐसा हम सब सीखे। सर दिल से देने की कोशिश करी था। एब्सोल्युटली। एंड सजेशन दूँ तो आई थिंक द ऑडियंस और यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेशर्स प्रोफेशनल और सम पावर यूजर्स राइट, so the 2 days are not enough for, you know, completing full coverage. Maybe you can extend it for 3 days. Invite the freshers on the first day so that they get clear on the basics understanding. And then rest of the 2 days they join it, but the one who already knows basic they join on second day. And some short of time, that's what I would give as an improvement or suggestion, or some one-on-one questionnaires. Okay. I also add one, but I don't want to talk right now. Okay. If you get time, you can. Please, most welcome, sir. Anytime, lifetime supporter. Please, anytime you can contact me. Definitely, any short. Okay, no need to worry. Thank you, guys. Ashok Desai ji. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Guys. आपकी वीडियो में 2-3 महीने से देखता हूँ और मैंने इतनी सिंपल स्ट्रेटजी आपकी है कि कहाँ से एंट्री लेना है, कहाँ से स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ से हमें गेन करना है जी। तो मैंने सोच लिया कि पहले जो आपकी फी है 18,000 वो ट्रेड करके ही मुझे निकालना है और बाद में आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है, और वो मैंने निकाला 20-25,000 और वो पैसे से मेरा आपका ट्रेनिंग।
थैंक यू आपके बहुत सारे वीडियोस देखे और जो मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट तो अच्छे से वो मैनेज कर रहे थे, लेकिन कहीं पर वो क्या बोलते हैं लूपहोल्स आ रहे हैं, जैसे कि RR है 1/2, 1/3, तो मतलब ऐसी कोई स्ट्रेटेजी हाथ में नहीं आ रही थी कि 1/3, 1/4 ऐसा। तो सर ने जो बताया इन्वेस्टिंग वाला 1/30 डायरेक्ट दे दिया, तो वो एकदम अच्छा लगा उसका, बढ़िया था वो, समझ में आ गया। यस, वो समझ में आ गया। और एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि हमने ये जो टाइमिंग का जो था कि पहले दिन दिल से बोल रहा हूँ, दिल से कुछ नहीं, पहले दिन जो था वो हम फ्लाइट मिस हो गया, लेकिन दूसरे दिन भी हमने शायद 10:30 या 11:15 को चालू किया, तो आई थिंक हमारे पास टाइम कम था, तो एटलीस्ट वो टाइम मैनेज करना थोड़ा जरूरी लग रहा था। बाकी एकदम बढ़िया था, बहुत मजा आया दिल से। थैंक यू सो मच। फर्स्ट टाइम सब सोचते हैं लॉस होता है, मैंने पहले सीखना चाहा कि लॉस ना हो, इसलिए मैं पहले आया हूँ, सीखा है तो कोशिश करूँगा करने की, जब पता लगे मुझे लॉस होता है या नहीं होता। नहीं होता। फैंटास्टिक। तो जो फ्रेशर्स हैं आपकी तरह जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, क्या उनके लिए है? एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस सीखने पर ही पहला है, सीखने बिना सीखे कुछ भी किया तो लॉस ही होगा। पिछले 2-3 महीने से आपको फॉलो कर रहा था यूट्यूब और टेलीग्राम में, 2-3 स्टॉक में काम भी किया, पैसा भी मिला, फिर सोचा कि यूट्यूब में इतना मिल रहा है तो उधर रूबरू जाने पर नया सीखने को मिलेगा, और वाकई मतलब 100% की बात है कि जो चीज मुफ्त में मिलती है पैसे देने पर तो अच्छी मिलेगी, तो वो सोच के आया था और जितना सोच के आया था उससे ज़्यादा पाके जा रहा हूँ। और भी मतलब टॉप पे ठोकना और बॉटम पे बाय करना, वो अब से मैंने जो यूट्यूब में बोलता हूँ आज तक मैं टॉप पे बाय करता था, अरे अभी वो सीख समझ में आई, आपको स्क्रीनशॉट दी। ओके थैंक यू। हेमेंद्र सर, क्या बात है हेमेंद्र सर, बस आशीर्वाद दीजिए और खुशहाल। थैंक यू सर। वैसे तो मैं बहुत ये 4-6 महीने से ये लाइन में हूँ, आज तक मैं किसी को, मेरे बच्चे लोग किसी को भी ये लाइन में आने के लिए मना करता था, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि यहीं पे आना चाहिए, ये भी एक बिजनेस ही है। और दूसरा सबको, अभी मैं तो क्या लिया हूँ यहाँ से, तो कैंडल के बारे में तो मेरे को पता था, बट वीक और शेडो जो भी नाम है उसका, बराबर है, तो उसकी क्या कहानी थी वो आज तक मेरे को भी नहीं पता है। मैं भी लेता था डिमांड सप्लाई, बस यही दो जोन में काम करता था। मैंने तो अभी सीखा है, अभी मेरे को तो कोई लैंग्वेज भी नहीं आती थी इनकी, तो अभी मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ, बट लॉस के बारे में मेरे को पता नहीं था कि इतने छोटे लॉस और कहाँ पे। तो मैं भी ये जो अभी आगे भाई साहब बोल के गए ना, मेरे ख्याल से आप बोल के गए कि टॉप पे बाई करते थे अपने और डीप पे हम सेल करते थे, उल्टा ही करते थे, बराबर। लेकिन एक बार भूल चूक से भी इनका वीडियो आ गया उल्टा पुल्टा, और वहीं से भी मेरी शुरुआत हुई इनसे, तो इनकी इनसे भी एक ही महीने से मैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा मेरा लेक्चर लेकिन आप सबको काम आएगा। तो ये उल्टा पुल्टा से मैं भी बहुत सोचा कि यार उल्टा, तो अभी मैं मेरी बहू को भी सिखा रहा हूँ, अरे तो सी इज नाउ वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस, तो जहाँ पे भी गलत होते थे तो वहाँ पे वापस दूसरी ट्रेन में हम वापस आ जाते और डबल ठोकते थे वहाँ पे। तो और अभी सेल पे जितना काम नहीं किया हूँ मैंने, तो अभी स्टार्ट हो, अभी आप सबको रिक्वेस्ट है मेरी, अभी आधे तो चले गए लेकिन सबको एक रिक्वेस्ट है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप तो बना दिया है, अभी सर को भी अपने जोड़ लेंगे, बराबर, हो गया, कोई वादा नहीं, अभी एक्टिव हो रहा है, लेकिन सब लोग प्रॉफिट का कोई भी नहीं डालेंगे अपने ये ग्रुप में, इनके ग्रुप में डालो, अपने ग्रुप में प्रॉफिट मत डालो कोई, सब लोग है ना दिन के अंदर में
अभी मैं भी है ना एक ही ट्रेड लेता था, मैं भी घबराता था, मेरे पास बहुत कैपिटल है, लेकिन वो मेरे हिसाब से वो कैपिटल को मेरे को भी अंदाजा नहीं था। लेकिन अभी आप सबको मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक मैं एक ही ट्रेड लेता था, क्यों? घर वाले मेरे को, मेरी बीवी है वो मना, घर में कंट्रोल है क्योंकि शेयर बाजार में नहीं जाना है, बराबर है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अभी अभी सुनो, ये साइकोलॉजी है कि मेरे को इन्होंने जो बताया कि घबराओ मत, एक ट्रेड लेने से प्रोबेबिलिटी नहीं बनती, बस ये दिमाग में फोन पे बैठ गया था। तभी मैंने उस दिन से पहले आज तक मैंने चार महीना डेली एक दो ट्रेड में और मेरी बहू लेते थे, अभी डेली 7 और 8 ट्रेड लेते, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लॉस तो यहाँ आने के बाद मैं तो डीप में अपने सब लोगों ने सुना, आप सब लोग फ्रेश भी हो, मैं तो ऑनलाइन भी उनका ज्वाइन कर चुका हूँ, लेकिन लॉस जो है तो अपने अभी 7-8 ट्रेड लेते तो प्रोबेबिलिटी अपनी, तो अभी मैं एक ट्रेड के अंदर में 80,000 रुपया कमाया, क्यों? लॉस 2,000 का था IRTC में। जो ये लास्ट वीक में ही इनका तो ट्रेडिंग क्लास, ये जो ऑनलाइन में तो मैं ज्वाइंट हूँ, तो एक ट्रेड में ऐसे नहीं लिया हूँ, कोई में 20,000 मिला है, कोई में 30,000 मिला है, और आप सबको मिलेगा विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट कैपिटल, खाली आपका बैंक में मार्जिन टेम्पररी होना चाहिए, वो पैसा वो लोग लेके नहीं जाने वाले। तो अपने ये व्हाट्सएप ग्रुप में सबको रिक्वेस्ट है, जो भी अपने और भी फ्रेंड है ग्रुप में भी, तो डेली है ना, डेली आपने कितना लॉस ट्रेड, कितना अमाउंट का और कितना लॉस किया वही डालो, 8 ट्रेड लिया, 6 में लॉस, 2 में प्रॉफिट, वेरी पावरफुल दिस इज। अगर आप लॉस डालोगे और मेरा अभी लॉस का क्या है मैं बताऊं, मैंने मेरा पर ट्रेड 2,000 रुपया था, 7 × 2 = 14,000 मेरा डेली जाएगा, लेकिन जाता नहीं, और 2,000 की वजह पे मैं और मेरी बहू जो है वो 800 पे नहीं, मेरे से भी वो ज्यादा है, वो कंजूस है, वो 2,000 तक नहीं जाने देती है, वो 800 पे मेरे को काट देती है, बराबर है। तो ये प्रॉफिट है क्या है? 1,200 रुपए डेली का प्रॉफिट है पर ट्रेड। बस आप लोग सब व्हाट्सएप पे तो आपने देखो चार्ट तो डालो, मैंने भी आज डाला, मैं 8:30 बजे सोने वाला इंसान, 11:30-12 बजे तक हमारा क्लास लेते हैं, ये इनको भी छो मेरे से छोटा है, लेकिन मैं इनको गुरुजी मानता हूँ, बराबर सर जी के। तो दूसरा बस लॉस डालो आपने और चार्ट डालो और चार्ट में और ट्रेड भी डालोगे, ये भाई साहब तो अपने को दिखा देते, पता नहीं चलता है मेरे को, मैं तो फ्यूचर भी नहीं करता हूँ, क्या बोलते ऑप्शन भी नहीं करता हूँ, कुछ नहीं कर, नहीं नहीं इंट्राडे के अंदर मैं कैश वाला ही करता हूँ और फंस जाता हूँ पहले कि वो ये भी इनसे सीखा कि अपने इंट्राडे किया और पोजीशन नहीं अपनी उल्टी सुलटी हो गई थी तो स्विंग कर दिया बैठ गए, तो उसमें भी फिर वो 20,000 का लॉस, 10,000 का लॉस ही मिलता है। आप निकल जाओ स्विंग, यानी कि अपना इंट्राडे मीन्स इंट्राडे, और बस मेरी खाली एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी इनको क्या दे 10 मारी में, ये तो अपने को लॉस देखे जा रहे हैं, बस एक्सेप्ट द लॉस, दिस इज ब्यूटीफुल, एक्सेप्ट। मेरी गारंटी है क्योंकि मैं तो है ना पान वाले को भी सिखाता हूँ कि भाई ट्रेड करो, सोचो सोच बदल रही है, मैं सबको सिखाता हूँ कि ट्रेड कर, जो सालों से ट्रेड करते थे उनको भी बोलता हूँ कि ट्रेड कर बेटा और कर, लेकिन लॉस कंट्रोल कर, बस क्या लेके जाएंगे, लेकिन देखे तो जा सकते हैं। आप सब लोग हैं ना, एक बार तो आप लॉस डाल के देखो बस कि कितने ट्रेड में आपने लॉस किए, ऑलरेडी इतने सारे 50 स्टूडेंट है ना, 53 एक दूसरा है कि ये रिश्ता कितना है अपना, ये 2 दिन का नहीं, वापस कोई क्लास करे तो ये तो वापस है ना, वापस ये ट्रेडिंग जो तो अपने उसमें क्या हो जाएगी, वापस ट्रेडिंग इनकी अपने चालू रखेंगे
ये लाइफ टाइम थोड़ा देखो फ्री में कुछ नहीं मिलता, टाइम लेते हैं अपने, इनका भी ये 11:30-12 बजे तक तो वो घर में मगजमारी ना हो वो भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा। तो आप बार बार है ना ये क्लास ट्रेनिंग कोई भी प्रोग्राम जिनको भी आप मानते हो तो उनसे आप वापस रिट्रेड करते रहिए, रिट्रेनिंग लेते रहिए, तो अपने को क्या कि नया तो मिलेगा वो बात अलग है, लेकिन अपने जो भटक जाते हैं ना वो रुक जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, दिस इज समझ लो। थैंक यू सो मच, थैंक यू बताइए सर। मैं आपको जानना था, ये सब बहुत सारे वीडियो देखा था, वीडियो देखा पहली बार मैंने उल्टा पुल्टा तो थोड़ा अजीब सा लगा कि जो इंसान सिर पर जाकर उल्टा पुल्टा बोल सकता है उसको थोड़ा उसका याद पकड़ ले। अच्छा, फिर आपका वो मार्केट प्लस और मार्केट माइनस वो भी वीडियो मैंने देखा और दोनों ने थोड़ा काम भी किया, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो फिर आपसे बात करके मैंने ये वर्कशॉप ज्वाइन किया। बाकी ऐसे मैं पहला ही वर्कशॉप है सिर्फ बदल के लिए, अरे बाकी मैं ये काम करते ही। तो आप किसी के पास जाओगे यहाँ से यहाँ के बाद? तो मैं यही चाहता हूँ कि जो मैं पहले बीच में लटकता रहता था, जैसे आपने अभी मुझे बताया कि टॉप पे बाय सेल करो बॉटम पे पकड़ो, हम क्या बीच में लटकते रहते थे, कुछ कर ही नहीं पाते थे, लॉस होता था, स्टॉप लॉस था, छोटे रखते थे उसको बड़ा हो जाता था, ये सब आधार हो जाता था। लेकिन अभी मुझे लगा स्टॉप लॉस छोटे में भी अपने बड़ा प्रॉफिट कर सकते हैं, और अपना सबसे ज़्यादा क्या है मेरी जो मानसिकता थी वो थोड़ी चेंज हो गई। ढक्कन खुला? ढक्कन खुल गया। अरे वाह, जोर से बोलो जरा, ढक्कन खुल गया। वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू आपको। तो प्रगति वाले आप इतने इधर अच्छे अच्छे सत्य जी सोसाइटी को देते जाओ, जितने भी ट्रेडर हमारे दोस्त थे वो लोग लॉस ना गए। एक्चुअली मैंने यूट्यूब में वीडियो देखे, फिर इनका टेलीग्राम मैंने ज्वाइन किया। टेलीग्राम में जो भी वो लोग उन्होंने जितने भी टिप भेजी यानी जितने भी स्टॉक रिकमेंड किया उसका मैंने पेपर ट्रेडिंग किया था। मैं 15 दिन से ही ज्वाइन हुआ उनके साथ, इसमें से 7 डेज तक मैं पेपर ट्रेडिंग में अच्छा रिजल्ट मिला। बाद में मैंने लाइव ट्रेड भी किए फ्यूचर के, और मेरे ख्याल से लास्ट वीक में दो स्टॉक में हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, फिर भी मैं 68,000 प्लस रहा। क्या और मैंने बड़े एक एक लॉट में ही काम किया है। अभी मैंने ये सेशन एंटर किया है, सेशन एंटर करने के बाद मेरा अभी कॉन्फिडेंस और बढ़ गया है, और जोरों से अभी काम ठोके के काम करेंगे और बड़ा धमाका भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत सारे क्वेश्चन पैसे गए हुए पहले क्वेश्चन था इतना चार को गए हुए मेरे को पूरा क्वेश्चन था आंसर कल मिल गया कल ही मिल गया आप एक्सप्लेन कर रहे थे तो सब ने मेरे पूछा है मेरा पैसे गए हो गया आज तक गए को मैं हारते आए तो बाद में आप बोले ये शेयर मार्केट चोर मार्केट चोर बन अब 40 चोर बनाए आपके अलीबाबा तो कल से देखना कैसे लग रही11:30-11 बजे लेकिन अभी इससे आगे आपने मेरा शॉर्ट लॉस कम कर दिया है। व्हेन इट कम्स टू दैट गो क्लोज इट स्टॉप लॉस कम हो गया है टोटल लॉस कम हो गया डन मेनी दस थिंग्स एंड आई हैव मेड लॉसेस ओवर द इयर्स बट नाउ आई थिंक आई रिड्यूस द लॉसेस
That is also actually a type of income. Yes, yes. So this is what I'm taking from. आपने मुझे एक statement दिया कि यार मैंने अपने retirement का थोड़ा सा तो अभी cover हो जाएगा सर मैं कह रहा हूँ पूरा cover करना आपका target है वो तो cover yes this is your target पूरा पूरा खींचना है ये तो मैंने छोड़ दिया I want your personal support 100% sir thank you okay 10 out of 10 क्या बात है sir wonderful यार सबसे बड़ी समस्या कहाँ से शुरू करूँ और क्या करूँ बस इतना ही कहना चाहता हूँ मैं एक अंधेरे कक्ष में बैठा हुआ और मुझे आज रोशनी ताकि मैं उन चीज़ों को ढूंढ सकूँ जो अभी तक मैं मन पर आ गया यूँ मैंने बाई मिस्टेक 18 अप्रैल 2018 को शेयर मार्केट में एंट्री ली थी इच्छा नहीं थी वरना मैं 1991 से ले लेता तब भी नहीं ली सहयोग था और उस सहयोग से आपका मेरे साथ आज मिला हो गया और मेरा सौभाग्य भी है कि मैं एक ऐसे युवा एनर्जेटिक पर्सन से मिल रहा हूँ पर्सनैलिटी से मिल रहा हूँ जो बहुत से लोगों का भविष्य सजाने का कार्य यूँ यूट्यूब देख देख के मैंने अपनी आँखें की रोशनी भी बहुत कम कर दी है लेकिन रॉ मटेरियल बहुत है लेकिन उनको पिरोना बहुत टेढ़ा काम था मैं 40-50 घरों के गांव में रहता हूँ जहाँ नेट प्रॉब्लम भी होती है प्रयास किया जैसे तैसे सीखे बहुत से वीडियो देखे पैसों की डिमांड वाले भी देखे उधर हमारे इंदौर के भाई तो बहुत ही परेशान करते थे फ़ोन से टिप्स दे देंगे आपको लखपति बना देंगे कहेंगे आप लखपति तो बनाओगे तो आपकी इच्छा है खखपति में तो कोई घाटा है ही नहीं उसके बाद में अभी आपके वीडियो 3-1 महीने से मुझे 4-5 व्यक्तियों की तारीफ करनी पड़ेगी उनके वीडियो वास्तव में बेसिक फंडामेंटल ठीक करने वाले थे और आपका जो उल्टा पुल्टा और 25 मिनट 20 मिनट वाली CPR स्ट्रेटेजी निश्चित रूप से बहुत बढ़िया लगी मेरी मुझे लगा एक ऐसा भी इंसान है दुनिया में बिना पैसे दुनिया में कोई काम नहीं करते या मैं भी मानता हूँ और हमने भी नहीं किया तो कैसे अपेक्षा है लेकिन आपने एक रास्ता बताया कि देखिए मेरे पास ये है मैं अच्छा दे सकता उसको ध्यान में रख करके मैंने ये निर्णय लिया मैंने पहले अपने बच्चों से पूछा पैसा खर्च करूँ परेशान तो नहीं होंगे नहीं नहीं पापा जी ठीक है यूँ रिश्तेदार खिलाफ थे कि आँखें जा रही है परेशान हो जाओगे मैंने नहीं गलतियाँ कहाँ हुई है मुझे ट्रेस आउट करना है बाकी कोई पैसों की बात नहीं है पैसा गया तो गया उसकी कोई चिंता नहीं अगलों का तो बता सके कि भाई हमने गलतियाँ करके ऐसा खोया है तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा मुझसे ये संबंध क्योंकि आप तो लाइफ टाइम हमारे मेंटर हैं तो कोशिश है कि संपर्क में रहूँ जब भी आपसे यूट्यूब पे देखने को मिलेगा तो आपके दर्शन हो जाएंगे बस ये कहना चाहता हूँ कि मैंने ऑनलाइन भी सर का ज्वाइन किया है इससे पहले बहुत सारे कोर्सेज किए मैंने पूरा कॉन्फिडेंस भी खोया था और यूट्यूब पे बहुत सी लोगों को फॉलो कर रहा था दो तीन लोगों को मैंने देखा था बहुत बोल रहे थे तो सोचा उनसे सीखूं मैंने तो वो मुझे सवाल भी पूछे लेकिन उन्होंने मुझे ढंग के जवाब नहीं दिए एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पे एक वीडियो आया इतना ही सुन रहा है तो आपका भी सुन लेता हूँ ऐसे तो थोड़ा मुझे लगा कि मेरे मुझे भी वही साइकोलॉजी ऊपर जब जाता है तब शेयर को टोकना चाहिए लेकिन मैं डरता था क्योंकि जभी जब मैंने किया ना तभी वो शॉर्ट सेलिंग में फिर ऊपर ही जाता था लेकिन बोला ये तो कुछ पते की बात कर रहे हैं सर तो मुझे करना ही चाहिए क्योंकि क्या आज तक उल्टा सोचने के बाद ही मिला है लेकिन हमको नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ लॉजिक जरूर है ऑपरेटर साइकोलॉजी है वो पकड़ में आई हाँ अभी सब आया ऑपरेटर मैंने जिस दिन वो देखा आपका तो उसमें एक कोर्स का भी कुछ था तो मैंने ऐसे विजय लगे मैं शायद मैं उधर जाऊंगा और वो एक्चुअली हुआ है आज मतलब सामने वो मैं देखा था कि मुझे पर्सनली मिलने का ही है तो मैंने ऑनलाइन भी ज्वाइन किया था बोला सर को कि मुझे आने का आपको मिलने के लिए तो आज मेरा जो सर से वो पूरा हो गया है और
बहुत अच्छा लगा ये फैमिली से। और शेयर मार्केट अभी ना मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा है, जब से मैंने वो देखा है ना, हाई पे आता है ना तो एकदम कॉन्फिडेंटली उसमें शॉर्ट कर देता हूँ, और लो पे आता है खरी वो अभी टॉप बॉटम और वो सब अच्छी तरह से समझ में आ गए, किधर से कौन सा सही में कौन सा टॉप है कौन सा बॉटम है सब है। बहुत अच्छा लगा है, अब कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, और कैपिटल भी किस तरह से करने का सर ने जो वैल्यू इन्वेस्टिंग का जो टॉपिक लिया है ना, सच में माइंड ब्लोइंग है। मतलब मोतीलाल ओसवाल अगर वो लोग कैसे करते होंगे ना, अभी मेरे को भी समझ में आया। क्या बात है सर, आपने करीब 10 रखा है, अगर 100 भी रखते थे ना उससे भी ज्यादा मैं देता था, आपका 100 और मेरा 100 200% तो अभी देना ही देना है सर। सबसे लास्ट में आई है, सबसे लास्ट में सबसे लास्ट में दे रहा हूँ जी। पंचाली सर बताइए क्या था हमारी स्टोरी, बताइएगा थोड़ा सा। मैंने क्या बोला, नहीं नहीं, फिर आपने बोला हाँ हाँ, फिर नहीं नहीं, पेमेंट के बारे में। एक्चुअली मैंने जब वीडियो देखा था सर के फीस के वो सब बारे में, तब ऑनलाइन मैंने एक बार कॉल करके पूछा था इंफॉर्मेशन लेने के लिए, क्या चार्जेस और क्या क्या दिए थे ऐसे पहले तो जानने के लिए पूछा था। तब एक्चुअली 60,000 बताया था, फिर बाद में मैंने फाइनल किया कि एक बार जाना ही, क्योंकि एक्चुअली सही मैं ये बताऊँ कि मैंने थोड़ा बहुत सीखा हुआ है बेसिक, लेकिन थोड़ा टाइम निकलने के बाद ये वाइप आउट हो जाता है दिमाग में से, क्योंकि इसमें कंटिन्यू नहीं रहते, तो 2-3 महीना मेरा गैप हुआ, तो ये कंटिन्यू करने के लिए फिर मैंने अगले दिन शाम को फाइनल किया कि एक बार जाओ और फिर अपना पूरा रिवीजन हो जाए जो मिसिंग हो रहा है, क्योंकि ट्रेड थोड़ा बहुत करना चालू किया था वहाँ पे लॉस हो रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने कंफर्म किया कि सर को पास जाना ही है। तो हमारी बात हुई, मैसेज किया, तब सर ने बताया कि अभी 18,000 अभी, तो सर पहले 16,000 था फिर 18, ऐसा क्यों, एक गलत चीज़ है। बोलते नहीं, ये पहले जो 20 मेंबर्स थे उनके लिए डिस्काउंट था, फिर उन्होंने लिंक भेजा दिया, देखा मैंने थोड़ा ठीक है सही बोल रहे हैं, थोड़ा चलो ओके डन के लिए, फिर शाम 2,000 एक्स्ट्रा दे दिए। इम्पोर्टेंट वो था है ना गाइस, इम्पोर्टेंट ये है कि भैया सीखना है सर, इंसान पता कहाँ मर जाता है, 2,000 में छोटी सोच, इसलिए मैंने इनसे स्टोरी बोलवाई, वो 2,000 में सर 500 रुपये कम कर दो ना, 2,000 कम कर दो ना भाई, मैं तो कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सोच नहीं बदल पाएगी। अभी उन्होंने पॉजिटिव लिया सर, वसूल है 2,000 वो वसूल सर है, जो मिसिंग था वो अभी पूरा कवर हो जाएगा, जहाँ पे अपना कुछ जो लेग कुछ मिस था अब वो पूरा क्राइटेरिया अपना सेटअप हो जाएगा सर। बहुत थैंक यू सो मच, मंडल प्रेशर थैंक यू सो मच। बताया सर, एक्चुअली कोर्सेज तो मैंने टेक्निकल वो सब बोल दो बहुत से कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ आने का सर एक ही मोटो था, एक हफ्ता पहले मेरे को सनल नाम के बोला सर को जो तू जिस हिसाब से रिवर्सल पर ट्रेंड लेता है या फिर ट्रेड लेता है वो एक बार फॉलो कर, सर का जो है परफेक्ट जाता है। तो मैं फिबो बहुत यूज़ करता था वो टाइम पर, लेकिन जब सर ने बताया कि फिबो कैसा है और कहाँ यूज़ करना है तो मुझको समझ नहीं आया, मैंने 2 घंटा बैठ के देखा, मैंने जितने ट्रेड मेरे फेल गए थे वो फिबो गलत मैंने देखा। मजा आया मजा ही सर, तो मैंने बोला कि नहीं यार मतलब फिबो सर ने एक बेस्ट पार्ट सिखाया, और मैं आया था सर जब भी मैंने आपको मेरा स्क्रीनशॉट भेजा आपका एक ही वीडियो में एक ही बात थी कि हाई पे ठोको लो पे बाय करो, बाय तो आज तक किया नहीं, जो भी ठोका उसमें रिजल्ट्स मिले मुझको। और CPR आपने एक बार आपका सेशन हुआ था लाइव सेशन मैंने रात में सुना था, तो मैंने सेकेंड डे अप्लाई किया CPR को, तो CPR पे मुझको रिजल्ट्स मिले, आपने भेजा हुआ था टेलीग्राम पे लेकिन मैंने 11-12 बजे के बाद देखा था, तो मैंने उसमें भी मुझको रिजल्ट्स मिले, तो मैंने बोला वो सीखूँ ना सीखूँ ये हाई पे ठोको CPR भी मिल जाए ना तो बस हो बस। और तो मेरे भाई जैसे आपने सब में काम किया और किसी ने रेफर किया, आप किसी को रेफर करना चाहोगे अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को? है सर मेरे 3-4 बेस्ट फ्रेंड है जो उसको मैसेज दे दो। हाँ सर डेफिनेटली दे दो भाई, मैं आ गया हूँ तो मैं सीख चुका हूँ, जो भी सीखा हूँ आगे भी सीखता रहूंगा, सर से ही सीखूंगा, इसके बाद तो कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना, इतना तो शौक हो चुका है, इसके बाद तो कहीं नहीं जाना है, कुछ भी हो जाए अगर मार्केट में रहूंगा तो लेकिन जाऊंगा तो नहीं सीखे। Thank you so much.
खोलने के लिए तो बहुत कुछ है, स्ट्रेटर को 5 दिन तक लगातार घुमाओ बोलते रहेगा कोई बंद नहीं होगा। बड़ा एज फार एज द पेनिंग सेशन इज कंसर्न काफ़ी सारा इंसाइट मिला है, जो ऑपरेटर की जो आप बात करते हैं वो भी बहुत अच्छा पता चला। आपसे जब मेरी बात हुई थी तब आपने बोला था तुम आना मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारी गलती अपने आप पता चल जाएगी कि लेवल्स में कहाँ गलती करी, आपने मैसेज के अंदर मुझे बताया था। नाउ आई अंडरस्टैंड कि वो गलतियाँ कहाँ थी, काफ़ी सारे 6-7 कंपोजिशन थी उसके अंदर, तो वो सब चीज़ें पता चल चुकी हैं। एंड आने वाले टाइम पर भी डेफिनेटली गलतियाँ तो ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस इज अ पार्ट ऑफ स्टॉक मार्केट, सब कुछ होता ही रहेगा, बट प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, लॉस मिनिमम करना है, और यही चीज़ हम सब लोगों को फॉलो करें। और जहाँ तक सेशन का सवाल है तो डेफिनेटली मतलब अब आप तो बचने वाले नहीं हो हम लोगों से, ठीक है, आगे भी आपका सेशन डेफिनेटली अटेंड करेंगे बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ इट वुड बी अ काइंड ऑफ रिफ्रेशर फॉर अस। कोई एक छोटी से छोटी चीज ले जाओ वो बिल्कुल, आपने जितनी भी स्ट्रेटेजीज दी जो भी कुछ दिया सारी काम आई, बट इट विल टेक टाइम, पहले एक सीखेंगे दूसरी सीखेंगे तीसरी सीखेंगे धीरे धीरे करके एक साथ सबको पकड़ जाएंगे खुद ही करेंगे। सर चार मछलियां चारों को पकड़ लोगे नो प्रॉब्लम, ये कितने बार सोचते हैं दूसरा फिर तीसरा चौथा, दैट इज इन फ्यूचर आई एम एक्सपेक्टिंग मोर स्ट्रेटेजी टू लाइक मे ये कम थी नहीं नहीं ये तो कर लेंगे 6 महीने लगेंगे इस तरह सर और मेरे पास आपको भी सीखने को मिलेगा मेरी भी बिल्कुल और किसी का सर मैंने बहुत सारे थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम छोटा छोटा होता था लेकिन आपने बोला कि फोकस को दोस्त बनाओ तो लोग सिखा देते कि आपको ये करना है ये करना है ये करना है लेकिन आपने बोला प्रॉफिट नहीं करना लॉस को यानी वो करो, तो लॉस को अगर दोस्त बनाओगे तो प्रॉफिट तो बाय प्रोडक्ट है ही, तो सर ऐसा तो सीखने तो पहली बार होगा। और मेरी जो हार्ट बीट थी सर वो स्टॉक मार्केट के चार्ट के साथ मैच नहीं कर रही थी, लॉस इसी कर रहा था हो जाएगी, लेकिन आपने सब शेयर कर दिया और मैं चलता हूँ सर जल्दी घर सुबह में जाकर प्रॉफिट करना है। अरे वाह सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा सर मैंने न्यूमरस सेमिनार्स और ये सब अटेंड करे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कॉम्प्लीमेंट कि आप और पंकज जी के बारे में मनी माइंडेड नहीं है एकदम, मतलब मैंने सर अश्विनी गुजराल जी ले लो आप कोई बड़ा सा बड़ा नाम ले लो, मैं सबके पास गया हूँ सर मैं लाखों रुपये लिए लेकिन आपने जो चीज़ दी है और वो जो चीज़ देते हैं उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप बोलते हैं ना भाई उससे सीखो जो कि खुद ट्रेड करता है, तो ये अश्विनी जी और ये सब जो है खुद तो ट्रेड करेंगे एक लॉट में और हमसे ट्रेड कराते सर आप 100 लॉट डालो, और दूसरी बात जो है जो चीज़ ये सिखाते हैं उसको खुद ही फॉलो नहीं करता मैं, तो आपने जो चीज़ सिखाई वो आप एग्जैक्टली फॉलो भी कर रहे हो और आप खुद भी ट्रेड कर रहे हो, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। एंड वन सजेशन आई वुड लाइक टू गिव सर कि सर जो ऑलरेडी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं उनके लिए सर कोई अगर अलग से आप मीट रखें या ये रखें जिसमें के दो ट्रेडिंग सेशन साथ में रखें आप अपने या फिर कुछ एडवांस चीज सिखाने का कुछ रखें तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर एसएफएस। तो नहीं एडवांस इन द सेंस एडवांस में दे दिया एडवांस इन द सेंस व्हाट नहीं एडवांस इन द सेंस जैसे अपन ने ऑनलाइन कोर्स किया था दिस इज प्रोबब्ली द सेम थिंग नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, और जो एडवांस की जैसे एक मिनट की जो स्ट्रेटजीज हो या जो प्रोफेशनल ट्रेडर जो फटाफट ट्रेड करते हैं जैसे मेरे जैसे लोग जो स्कैल्पिंग कर लेते हैं वही 100 लॉट मारा 2 रुपए ऊपर निकल गए, उस तरह की कोई चीजों का कुछ अगर रखें लाइव ट्रेड या टॉकिंग अबाउट लाइव ट्रेड आल्सो अभी कुछ अगर और एडवांस चीज अगर हो आपके पास तो इसमें क्या अपने बेसिक भी इंक्लूड कर दिया तो भाई मेरे जैसे लोग या जिन लोग को ऑलरेडी आता है थोड़ा बहुत उनके लिए मतलब ये 2 दिन थोड़ा सा सब चीजें यूजफुल नहीं थी
मतलब बेसिक ऑलरेडी था, बेसिक था मतलब एडवांस, मतलब बेसिक जो ऑलरेडी जानते हैं ये उनके लिए तो बहुत अच्छा था क्योंकि स्क्रैच से आपने सब कुछ सिखा दिया। ये जो लोग ऑलरेडी जानते हैं 10 जगह जो लोग गए हुए हैं बेसिक चीजें जानते हैं उनको, मतलब ये सिर्फ उनके लिए हो जो पहले कहीं से किए हुए हो या जो जानते हो चीजें। नहीं सर वो सेशन जो प्रोफेशनल थोड़ा सा हाई तो सर इसमें पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या है, मैं जीरो से लेकर एडवांस जा रहा हूँ, तो एक एडवांस मतलब एक लिमिट है। अगर इफ आई टॉक अबाउट बिग प्लेयर्स जो 100 500 lots में काम कर रहे हैं या 20 lots 50 lots में काम कर रहे हैं उनके लिए ही मैं वो सेशन रखने वाला हूँ, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ स्कैल्पिंग नहीं, ये बड़ा मैजिक दूंगा, स्कैल्पिंग 1-2 रुपये के लिए मैं काम ही नहीं करता, बड़ा ही दूंगा और छोटा स्कैल्पिंग के साथ, यानी कि छोटा स्टॉप लॉस के साथ दूंगा ना। और आज अभी दे रहा हूँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। ये अगली बार आओगे ना ये लूंगा पहले।